नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संजीव और आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, आपका राशिफल आपके लिए कुछ टिप्स लेकर और आपको ये बताने के लिए कि आप चाहें तो अपने आने वाले पलों को बहुत हद तक अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, उन्हें बेहतर बना सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा दे सकते हैं। अब कैसे ये सब कुछ होगा, उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ जब भी कभी होते हैं, एक विश्वास मन में जरूर जगता है कि अब कम से कम हम अपने आने वाले पलों को समझ पाएंगे, हम खुद अपनी जिंदगी को एक बेहतर दिशा दे पाएंगे। और यकीनन ये विश्वास सालों से कमाया है उन्होंने, तो यही कोशिश वो आज भी आगे बढ़ाएंगे। आप सबको बताएंगे कि कैसे आपको प्लान करना है अपनी आने वाली जिंदगी को। तो 30 नवंबर के भी हम कर रहे हैं बात, बुधवार का दिन है, मेष और वृषभ। सबसे पहले आपकी बात। मेष राशि वालों को इस बात की चिंता खाई जा रही है कि आपकी मेहनत रंग नहीं ला रही, आपकी कोशिशें जैसे विफल हो रही हैं और रिश्ते भी संभल नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में, काम काज की ओर आपका फोकस बहुत अच्छा है, उसे बनाए रखना होगा। बहुत तेजी से हालात बदल रहे हैं जिसके चलते परेशानियां भी हट जाएंगी। आपके सबॉर्डिनेट से आपके मातहत अगर आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो उनकी बात को समझने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में, सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, और उसमें आपके अपनों की सेहत भी शामिल है। सिर्फ परेशान होने से कुछ नहीं होगा, उन परेशानियों को एक एक करके संभालना भी होगा। अपने मन में घबराहट मचाने से कुछ हासिल नहीं है। वृषभ राशि वालों की कही हुई बात गलत समझी जा सकती है, जिसका असर आपके प्यार के रिश्ते पर भी पड़ सकता है। कुछ आपकी ही गलतियां हैं जिन्हें संभालने की जरूरत है। हालात तो को लिए नई उमंग की और नई सोच की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में, लोगों से बढ़ता हुआ तालमेल आपके लिए भाग्य के द्वार खोल सकता है, लेकिन साथ ही साथ अपने नुकसान को बचाने की भी जरूरत पड़ेगी। अपने बढ़ते हुए नुकसान को अपनी आमदनी से पूरा कर पाना मुश्किल हो सकता है। क्या ना करें इस समय में, आपकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, उन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। अपने आसपास के रिश्तों से जुड़ी ज़रूरतों को भी थोड़ा सा पूरा करने की कोशिश कर लें, उनमें आपके बच्चों से जुड़ी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरतें भी शामिल हैं। तो अपने आसपास की अपनों की जो ज़रूरतें हैं उन्हें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, सवाल का रुख करते हैं। सवाल हमारे सामने आता है नीति तिवारी का। 23/10/1985 जन्म हुआ है 10 बजे, इनका रात में बर्थ प्लेस है प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। ये एक्चुअली एक बहन ने सवाल पूछा है अपनी बहन के लिए। शादी को लेकर अपनी बहन की ये चिंतित हैं, कब तक शादी का योग है और आगे शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी, ये इनका सवाल है आपसे। नीति, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतरदशा भी चल रही है शनि की, जुलाई 2017 तक। शादी कब होगी ये बड़ा सवाल है। देरी हो चुकी है, मैं इस बात को भी समझता हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा और देरी हो जाए तो परेशानी की बात है, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। शादी सुख और सुकून के लिए करनी है, इसलिए अच्छे समय का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी होता है। आप ये समझ लें कि 2018 में शादी का अच्छा समय बनता हुआ नज़र आ रहा है और एक साल और रुकना जो है ये सही बात होगी इस समय में, बहुत जल्दी ना करें। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि, अब आपकी कर लेते हैं बात। तो 30 नवंबर बुधवार का दिन क्या है, आपका राशिफल और आपको क्या करना है और किससे बचना है, नोट कीजिए। मिथुन राशि वालों को कोई प्यार का रिश्ता अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन आपने अपनी ओर से दूरियां भी बना रखी हैं। अपनी कही हुई बात से किसी का दिल दुखाना बहुत आसान है, लेकिन उसे संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या करना चाहिए समय में, घर परिवार में अपनों की अच्छाई को समझ कर ही चलना होगा, इसी से जिंदगी में एक तालमेल बनाने की संभावना बनी रहेगी। इस अच्छाई को अपनी जिंदगी में जरूर उतार लें। क्या ना करें समय में, अगर मन दुखी रहेगा तो विचार नहीं मिलेंगे और अगर विचार नहीं मिलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। ऐसी स्थिति न बनने दें जिससे आपके लिए हर तरह की परेशानी बढ़े। आने वाले 4 हफ्ते तक मंगलवार का कोई ना कोई उपाय जरूर कर लें, जिसमें मंदिर जाना भी शामिल हो सकता है और कोई दान भी दिया जा सकता है। कर्क राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि किसी भी तरह की देनदारी से आपका नुकसान बढ़ जाए या किसी नुकसान से आपकी देनदारी बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है, इसलिए अपनी आमदनी को और अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा संभाल लेने की ज़रूरत है। रिश्तों को आगे बढ़ाने के चलते इस तरह की कोई भी लापरवाही बिल्कुल ना करें। क्या करना चाहिए समय में, काम काज में अपनी स्थिति को मजबूत करना है तो बहुत ज़्यादा आशावादी बनना होगा।
अपने मन के असमंजस को हटाकर अपने प्रदर्शन को बहुत ऊंचे स्तर का बनाना होगा, तभी जाके वो सफलता मिल पाएगी जो इस समय आपके लिए बनी हुई। क्या ना करें इस समय में, व्यर्थ में किसी यात्रा की योजना बिल्कुल ना बनाएं और अपने खर्चों को भी ना बढ़ाएं, साथ ही साथ अपने बड़े बुजुर्गों की जरूरतों को भी नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। तो बिला वजह अपने खर्चों को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, और खासतौर पर जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। बड़े बुजुर्गों के जो तजुर्बे हैं वो जिंदगी में हमें कितना पे करते हैं, ये जब आप उनके साथ बैठेंगे तभी महसूस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सिंह और कन्या राशि के ज्योतिष गुरु बात कर लेते हैं। तो सिंह और कन्या राशि, 30 नवंबर का दिन कैसा है राशिफल और आप क्या करें क्या बिल्कुल ना करें? सिंह राशि वालों के लिए काम से लाभ का सुंदर योग है और कोई कमी नहीं है, इसी के चलते आप अपनी बात को भी रख पाएंगे और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर पाएंगे। क्या करना चाहिए? घर परिवार में शांति और सुकून बनाए रखना होगा। इस प्राथमिकता को समझने से ही आप गलतियों से बच पाएंगे और ये संभव हो जाएगा अगर आप अपने मन को थोड़ा सा शांत कर लें। क्या ना करें इस समय में, कामकाज को आगे बढ़ाने के प्रयास में किसी प्यार के रिश्ते को इग्नोर ना करें। आपकी ओर से कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी रिश्तों को संभालने के लिए समय निकालना होगा, इसमें अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। कन्या राशि वालों के लिए कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर और सुखद समय बना हुआ है, इसी शुभता के चलते आपको अपनों का पूरा साथ भी मिला रहेगा। कामकाज में तरक्की मिलेगी तो घर परिवार में सब कुछ अच्छा लगेगा। क्या करना चाहिए इस समय में, लोगों की बात को समझने से और फायदा हो सकता है और अपनों के लिए कुछ अच्छा करने से खुशी भी मिल सकती है, इसी मिले जुले प्रयास से आपको इस समय जुड़े रहना होगा। क्या ना करें इस समय में, पैसे से अपनी उपलब्धियों का आंकलन बिल्कुल ना करें। आपकी मेहनत से कामकाज में सफलता जरूर मिलेगी लेकिन अपनी बढ़ती हुई परेशानियों का असर किसी प्यार के रिश्ते पर बिल्कुल ना आने दें। हो सकता है कुछ चीजें आपको परेशान कर रही हो लेकिन उनका असर अपने रिश्तों पर ना पड़ने दें। रिश्तों को थोड़ा अपनी व्यक्तिगत दिक्कतों से अलग हटकर सहेज कर उन्हें रखना पड़ता है। तो अब अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हमारे सामने अभिमन्यु शर्मा आपका आता है। डेट ऑफ बर्थ ज्योतिष गुरु, 18/6/1991, 3:41 दोपहर बाद इनका जन्म हुआ है कोटा राजस्थान में। करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, पढ़ाई में पहले भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी, प्राइवेट नौकरी लगी थी, नौकरी छूट गई, अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ एमटेक भी कर रहे हैं सोलर एनर्जी में। करियर और फिनेंशियल प्रॉब्लम, ये दो इनके सवाल। अभिमन्यु, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है मंगल की और अंतरदशा चल रही है केतु की जनवरी 2017 तक। जॉब कब लगेगी, आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी, जीवन में स्टेबिलिटी स्थिरता कब आएगी, ये सवाल बहुत वाजिब होते हैं क्योंकि इसी में एक मार्गदर्शन छुपा होता है कि कब हम उस प्रयास को कर लें, कब अपनी मेहनत को बढ़ा दें। कभी कभी एक कदम पीछे भी हटना पड़ता है, तो ये सारी बातें ज्योतिषीय मार्गदर्शन से जुड़ी हुई हैं। आप जॉब के लिए तैयारी तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आप ये समझ लें कि मार्च 2018 से आपके लिए वो समय खुलता है जब आपकी जॉब भी लग जाएगी, आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी। तो ये सवा साल का जो इंतज़ार है इसे देरी के रूप में ना देखें, इसे इस रूप से देखें कि आपको अपनी ओर से अभी बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, तभी जाके बात बनेगी। तो मार्च 2018 से एक अच्छा करियर भी बन रहा है, आर्थिक दिक्कतें भी दूर हो रही हैं और जैसा आपने कहा कि अभी आप एमटेक कर रहे हैं तो लगता यही है कि जब तक आप पढ़ाई पूरी करेंगे एक सुंदर समय आपके जीवन में आ चुका होगा, जो गुजर गया उसको भूल जाइए। अब आगे आपकी ज़िंदगी सुंदर तरीके से आगे बढ़ रही है, बस इस अपनी पढ़ाई में कोई भी कमी मत आने दीजिए। आगे तुला और वृश्चिक राशि, ज़िंदगी में कमियाँ जब रह जाती हैं तभी मुश्किलें आती हैं और कमियाँ हमसे कई बार अनजाने में हो जाती हैं, अनजाने में छूट जाती हैं। तो कोई कमी ना हो आपकी तरफ से 30 नवंबर के दिन, इसके लिए आप क्या करें क्या ना करें आपके राशिफल के साथ। तुला राशि वालों को ये समझना है कि जिंदगी की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने से बात बढ़ सकती है और बड़ी समस्या का रूप ले सकती है, इसलिए अगर कोई घबराहट है तो उसके पीछे छुपी हुई कोई बड़ी समस्या भी हो सकती है। क्या करना चाहिए समय में, जो भी विकल्प आपके सामने उभर रहे हैं उसके बारे में एक बार जरूर सोच लें, उससे धन लाभ की स्थिति बेहतर हो सकती है और आपकी सफलता का एक दौर शुरू हो सकता है, लेकिन कामकाज या कारोबार के प्रति अपनी लगन को आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्या ना करें समय में, इस समय की बढ़ती हुई चुनौतियों का असर अपनी एफर्ट्स पर बिल्कुल ना आने दें। जो बहुत कुछ अच्छा लग रहा है उसके पीछे भी नुकसान की स्थिति हो सकती है, इस बात में भी कोई गलती ना करें।
वृश्चिक राशि वालों के लिए धन लाभ की परिस्थितियां सुंदर हैं और हालात मददगार हैं, लेकिन एक व्यर्थ की टेंशन साथ जुड़ी हुई है जिसे संभालना मुश्किल हो रहा है। उसमें अपनों की वजह से बढ़ते हुए खर्चे भी शामिल हैं। क्या करना चाहिए समय में? सेहत का भी ख्याल रखना होगा और अपने प्रयास को बनाए रखना होगा। जो भी कर रहे हैं उसमें आपकी लगन अच्छी है जिससे बड़ी सफलता मिल सकती है। थोड़ी सी मन में शांति बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें, ऐसा ना सोचें कि हर चीज की अच्छाई और सच्चाई पैसे से परखी जाएगी। अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो ऐसा ना सोचें कि वो आपके खिलाफ है। कहीं ना कहीं अपने अंदर विनम्रता लाने की जरूरत है। धनु और मकर राशि, अब आपको समझना है 30 नवंबर के दिन को, तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं आपका राशिफल और उसके बाद आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। धनु राशि वालों को कामकाज में बढ़ती हुई लगन से धन लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन आपका मानसिक द्वंद्व आपको परेशान भी रखेगा। अगर लोग खुश नहीं हैं तो ये भी एक परेशानी का कारण हो सकता है आपके लिए। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने बढ़ते हुए खर्चों को थामना होगा। अपनी मेहनत और अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा केंद्रित करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए अपने मन में बढ़ती हुई जो नेगेटिविटी है उसे भी दूर हटाना होगा आपको। क्या ना करें, इस समय बनती हुई स्थिरता को कम ना समझें। घर परिवार में अपनों का साथ आपके जीवन में संतोष ला सकता है। इस अच्छाई को किसी भी तरह से कम समझना ठीक नहीं। मकर राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी चुनौतियां कुछ बढ़ती चली जा रही हैं, जिसका असर आपकी मानसिकता पर भी आ सकता है। पैसे की स्थिति तो ठीक है, लेकिन कामकाज से जुड़ी परेशानियों के चलते आप कोई बड़ा कदम उठाना चाहेंगे। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज ठीक हो और लाभ बना रहे तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर इन दोनों में से एक चीज भी सुनिश्चित हो जाए तो भी इस अच्छाई को समझना ही होगा। जिंदगी में सब कुछ मिल जाए ऐसा संभव नहीं। पैसे के आगमन से ही संतोष कर लें। क्या करना चाहिए समय में? जो भी आप कर रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी को कम ना होने दें। व्यर्थ के परिवर्तन करने से भी कुछ हासिल होगा नहीं, इसलिए अपने स्वभाव को अड़ियल बिल्कुल ना बनाएं और कोई गलती ना करें। तो आप देख रहे हैं आपके तारे और आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। कुंभ और मीन राशि, 30 नवंबर का दिन है और इस दिन को एक बेहतरीन दिन बना सकते हैं आप, अगर आप ध्यान से सुने हमारा राशिफल और अगर आप अपनी तरफ से कोशिश कर भी रहे हो तो उसमें चार चांद लगा देंगे वो टिप्स जो आपको बताए जाएंगे आपके राशिफल के साथ। कुंभ राशि वालों का मन बहुत भटक रहा है कामकाज की चिंताओं को लेकर। हालात मददगार जरूर है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको परेशान भी कर रहा है। हर चीज में आप कमियां ढूंढते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने सीनियर्स की बात को समझने की कोशिश करनी होगी। अगर बात करने की संभावना हो तो बात करने से कई तरह के समाधान भी निकलेंगे। इसी के चलते आपके लाभ की स्थिति बनी रहेगी। क्या ना करें समय में? अपने मानसिक द्वंद्व की वजह से अपना नुकसान बिल्कुल ना करें। कोई ऐसे कदम ना बढ़ा लें कि फिर पलटना मुश्किल हो जाए। किसी भी तरह का रिस्क इस समय लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। मीन राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन आप उन्हें संभाल लेंगे। घर परिवार में अपनों का साथ भी बहुत बड़ी बात है जो मिला रहेगा, तो ये बहुत बड़ी कृपा है आपके साथ जुड़ी हुई। कोई प्यार का रिश्ता चिंता का विषय हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? स्थिति कमजोर जरूर है, लेकिन हालात आपकी मदद करना चाह रहे हैं। किसी प्यार के रिश्ते में मतभेद भी है और फासले भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ये समझ लें कि जो भी हो रहा है वो आपके हित में हो रहा है और उसी में आपकी भलाई। क्या ना करें समय में? कोई ऐसी उम्मीद ना लगाएं कि लोग ही आपकी हर समस्या का समाधान कर देंगे। ऐसा सोचकर आप अपनी कोशिशों को कमजोर ना पड़ने दें। अचानक उभरती हुई चुनौतियों का असर अपनी जिंदगी पर बिल्कुल ना आने दें। तो चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी की रास सही ढंग से थामना सीख लीजिए। अगर इतना आपने सीख लिया तो जिंदगी कभी रास्ता भटकेगी नहीं, कभी मंजिल की तरफ पहुंचने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कभी भी कोई दिक्कत आपको पेश आई तो हम हर रोज की तरह फिर हाजिर होंगे आपके सामने आपके तारे लेकर। ईमेल आईडी हमारा नोट कर लीजिए, aapketare@aajtak.com, जिस पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/tare। तो बस साथ बने रहिए, यूं ही देखते रहिए आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।